वेलकम यूपी लेखपाल। फ्रेंड्स, वर्ष 2015 में जो आपका यूपी लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसका पेपर फ्रेंड्स मेरे पास है। ये सेकंड शिफ्ट का है, एक पेपर और है फ्रेंड्स जो कि फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में जो हुआ था। दोनों पेपर मेरे पास हैं तो उसके क्वेश्चंस मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा। तो आप जैसा कि समझ सकेंगे कि पेपर किस प्रकार से आता है। मैथमेटिक्स अगर हम बोलें फ्रेंड्स बहुत ही इजी लेवल का उसमें था, तो कुछ क्वेश्चन मेरे पास हैं, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, अभी लेखपाल का हाल फिलहाल में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, आने की संभावना है। जैसे आते हैं तो हम पूरे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। दूसरी बात दोस्तों कि काफी सारे स्टूडेंट कॉल आ रहे कि सर लेखपाल या पुलिस के लिए बैच लगाने की, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं अभी इसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, पर जैसे कुछ इसके कह सकते हैं मैं प्रयास में हूं, जैसे ही कुछ इसकी संभावना बनती है मैं वीडियो द्वारा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि बैच कब से स्टार्ट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हाल ही में आप लोग जो भी कुछ मटेरियल है मैं यूट्यूब पे द्वारा ही आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। रही बात फ्रेंड्स लेखपाल के बैच की, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा या उससे पहले अगर संभावना लगेगी हाँ ये आने वाला है, तो मैं सोचूंगा उसके बारे में और आप लोगों को बता भी दूंगा। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स लेखपाल ऐसा एग्जाम है जो कि अगर आप एक महीने की तैयारी अच्छे से करते हैं तो आप उसको क्वालिफाई कर जाएंगे, बट सही दिशा में अगर आपको तैयारी करनी है तो। ठीक है ना, कुछ ज्यादा टफ नहीं आता है इसमें। आइए देखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम के क्वेश्चन हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया पेपर में। ये पेपर दोनों मेरे पास हैं, तो ये इवनिंग शिफ्ट का फ्रेंड्स ये पेपर है, तो आज हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका है लाभ और हानि से, पढ़ते हैं देखिए क्या है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। अगर आपने मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो देखा होगा फ्रेंड्स, तो आप उसमें देखेंगे कि मैंने इसको किस प्रकार सॉल्व किया है, लाइनिंग सिस्टम से। कैसे, देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका सीपी है, लागत मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, अंकित मार्केट प्राइस या कह सकते हैं फ्रेंड्स प्रिंट वैल्यू। ठीक है ना, ठीक है, 25% बढ़ाया ना, 25% मैं सीपी को मान लेता हूं 100। ठीक है, 25% बढ़ाया ना, तो आप देखेंगे ये वैल्यू हो कितनी होगी जाके आपके 125। ठीक, अब बोला यदि वह अंकित मूल्य पर, ये आपका फ्रेंड्स क्या हो गया, अंकित मूल्य। ठीक है ना, अंकित मूल्य। अब बोला इस पर 4% छूट देता है, छूट देगा तो किस तरफ आएंगे, इस तरफ। 4% छूट देता है तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। देखिए 4% छूट कैसे मिलती है, 10% क्या हुआ, एक अंक पीछे देखेंगे 12.5 है, 1% कितना हुआ, 1% आपका हुआ 1.25। अब बोल रहा है कितना कि 4% छूट, अब देखिए एक आपका ये हुआ तो 4% कितना होगा, देखिए 25 × 100 होते ना, एक आपका ये बना और 4 × 4 आपका ये बना, टोटल कितना बन गया आपका 5। तो 5 की छूट मिली या नहीं मिली, जब 5 की छूट मिलेगी फ्रेंड्स कहां पहुंचेंगे, 120 पे। देखिए ना 5 की छूट मिली ना, तो कितना हुआ आपका 120। अब आपका ये ना होके सेलिंग प्राइस ये हो गया फ्रेंड्स, डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस क्या हुआ 120। अब पूछ रहा है कितना लाभ था, देखिए लागत मूल्य कितनी थी 100, बेचे कितने का 120 का, आप बताइए इसमें आपको कितने परसेंट का लाभ हुआ फ्रेंड्स, 20% का लाभ। बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे दोस्तों, तो 20% आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 20% ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए जरा एक बार कि माना मैंने सीपी 100 है, 25% मूल्य बढ़ाकर यानी कि 125 का, 4% छूट देगा। अब इस पे आप छूट भी देखें तो देखिए 4% क्या हुआ, 10% कितना हुआ आपका,
कितना कुछ फ्रेंड, पहले इसको करेंगे 25 चौके 100, एक यहां से बनेगा और 4 एकम 4 यहां से बन जाएगा, तो 4 और 1 5 यहां पर छूट मिली। लेस करेंगे 120 का था, अब वो इतने पे बेचेगा 120 पे, बनाया कितने का था 100 का, बेचा कितने पे 120 पे, तो कितने का लाभ हुआ 20% का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये फ्रेंड्स आपका देखिए औसत से है, किसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है व अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, 15वें विद्यार्थी की आयु क्या होगी। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 15 की हम पहले टोटल एज निकाल लेते हैं, 15 स्टूडेंट थे, 15 औसत था, 15 × 15 का स्क्वायर फ्रेंड्स कितना होता है 225, ठीक है ना, ये आपके 15 का है। 5 विद्यार्थी की औसत आयु 4 है, ठीक है, 5 ही कितनी है, सॉरी 14 है, तो 14 × 5 फ्रेंड्स कितने होंगे 70, अन्य 9 की कितनी है 16, 16 निम्मा फ्रेंड्स 144, ठीक है, ये फ्रेंड्स 14 की है ना और ये आपकी 15 की है, इसमें से इसको लेस कर देंगे तो जो स्टूडेंट शेष बचा है ना उसकी निकल के आ जाएगी। चलिए इसको ऐड करते हैं, 4 × 7 = 11, 214 हो गए ना फ्रेंड्स, अब यहां से हम 214 लेस कर देंगे, आपका कितना बचा 11 बस, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 11 बस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हुआ 11 बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। देखिए दोस्तों क्या है, 512 इसको अगर मैं इनमें से किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं कि पूर्ण घन बन जाए। चलिए हम 10 से देखते हैं, 10 से अगर हम यहां पर करेंगे तो ये किसका पूर्ण घन होगा फ्रेंड्स, किसी का नहीं होगा। 8 करते हैं, देखिए 8 किया मैंने तो 12 × 8 पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, तो 12 × 8 = 96 और 8 × 5 = 40, 40 × 96 फ्रेंड्स ये आपका कितने का क्यूब होता है 16 का क्यूब, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको लगभग 20 तक तो क्यूब याद होने चाहिए, 20 नहीं तो 15-16 तक याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको बनता होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पूर्ण घन का अर्थ होता है परफेक्ट क्यूब, ठीक है ना, जो कि जैसे आपका मान लीजिए 8 है तो ये किसका परफेक्ट क्यूब है 2 × 2 × 2, ठीक है ना, ये परफेक्ट क्यूब हुआ इसका। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, ए बी और सी एक कंपनी के हिस्सेदार हैं, किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5000 रुपए मिले, तब ए को कितना लाभ मिला होगा। देखिए निकालते हैं, ए बी सी, ए को मिला फ्रेंड्स कितना 1/3, बी को 1/4, इसको रुपए में मिले 5000, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है कि जब तक इसका पार्ट निकालेंगे उसके बाद टोटल निकालेंगे हम इसका निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम इन दोनों का एलसीएम देखें फ्रेंड्स कितना हो गया 12, ये आपका 4 हो गया और ये आपका 3 हो गया, ठीक है ना। चलिए देखिए इसका आप कर सकते हैं 4/12, थोड़ा मैंने चेंज कर लिया, 4/12 इसका 3/12, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों को मैंने जोड़ा, इन दोनों को जोड़ के तो कितना बना 7/12, 7/12 आपका जो है ए और बी का हुआ, तो शेष कितना बचेगा 5/12, बताइए बचा का नहीं बचा, जब इन दोनों का 7/12 है शेष, देखिए इनका अंतर देखते हैं 5 का अंतर है, तो 5 का अंतर जो 5 बचा है वो किसे मिलेगा सी को मिलेगा, तो आपका इस प्रकार से ये बट गया। अब यहां देखिए ये टोटल बनके आपका कैसा बनता है, देखिए इसका बन गया 4/12
3/12 और 5/12, ठीक है ना। 5/12 इज इक्वल टू फ्रेंड्स कितना हुआ आपका 5000, 5/12 इक्वल टू 5000, ठीक है ना। अब यहां देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये फ्रेंड्स कितना होता है, ये टोटल होता है, ठीक है ना, और ये जो इसको भाग मिला हुआ है। देखिए जो भाग मिलता है वो कहां जाता है, नीचे, जितना मिला वो नीचे, जितना निकालना है वो ऊपर, ठीक है ना। 12 इसको मैंने क्रॉस किया, ठीक है फ्रेंड्स, 1000 हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका टोटल निकल के आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां आप देखेंगे कितना हुआ फ्रेंड्स, ये 12000, ये 12000 कितना हुआ फ्रेंड्स, ये टोटल हुआ आपका। हम चाहें तो फ्रेंड्स डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हैं, 5 = 5000, 1 × 1000, तो 4 का भी निकाल दें, 4 × 4000, ये भी डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, बट मैंने समझाने के लिए आपको बताया। तो टोटल आपका फ्रेंड्स कितना होगा, 12000। देखिए फिर से बता रहा हूं, ये टोटल होता है, ये जिसको मिला है, तो जितना मिला है ये हुआ आपका हुआ, इसको नीचे रखें, जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, जो दिया जाए उसको भाग, ये दिया गया है, और जिस निकाला जाए उसका मल्टीप्लाई, ठीक है। 12000 निकला, और फ्रेंड्स ए का पूछा है, तो ए का देखिए 4/12 है, तो 12000 × 4/12 इसको क्रॉस करेंगे फ्रेंड्स, कितना करके आया 4000, ये आपका आंसर हो गया। तो ए को 4000 का लाभ मिला, ए को 4000 रुपए का लाभ मिला। देखिए दोस्तों ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया, अदरवाइज बहुत ही आसानी से हो जाता, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका है टाइम एंड वर्क से। 36 व्यक्ति एक कार को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 27 व्यक्ति उसी कार को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये काफी आसान क्वेश्चन था, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। M1D1 = M2D2, M1 देखिए फ्रेंड्स कितना है 36, D1 कितना है 18, M2 कितना है 27, और D2 कितना है आपको निकालना है, ठीक है ना। 9 से काटते हैं, 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 18, और यह कटेगा 12, तो 12 × 2 = 24, तो D2 = 24 दे। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, 24 इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए थे, काफी इजी क्वेश्चन थे, और भी मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स ऐसे ही चैप्टर वाइज क्वेश्चन यहाँ पर आते रहेंगे, ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट।